तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। आज आपको ऐसा वाटर पार्क दिखाने वाला हूँ जो सारे मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्ड अपन कर सकते हैं। कितना मजा करेगा। They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Pav bhaji, chhach, papad, kachumbar aur ye hai pulao. हमने अभी जो यहाँ पे लंच किया ना भाई, वो अनलिमिटेड था, आप जितना चाहो खा सकते हो। तो उसको सुलाने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। भाई अभी जो मैं राइड में बैठा पेंडल हूँ, अगर पिछड़ा ऊपर नहीं रखा तो नीचे इतनी जोर से टकराएगा ना, दूसरी बार कभी नहीं बैठोगे। टोटली पैसा वसूल है यहाँ पे, जितनी भी टिकट यहाँ पे रखते हैं ना भाई, सारी अफोर्डेबल है, टोटली पैसा वसूल है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, मैं हर बार यहाँ पे आता हूँ। वाटर पार्क जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा एक बार जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त धवल पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपीस ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, वैकेशन में अभी टाइम है, पर गर्मियां बहुत खतरनाक स्टार्ट हो गई है। तो अंश बहुत टाइम से बोल रहा कि पापा वाटर पार्क में जाना है, तो मैं आज आपको ऐसा वाटर पार्क दिखाने वाला हूँ जो सारे मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्ड अपन कर सकते हैं। बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। तो हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ। अंश बहुत टाइम से बोल रहा था। अंश, हम कहाँ जा रहे हैं? वाटर पार्क। और कितना मजा करेगा। तो अंश के लिए खास हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप वाटर पार्क जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा एक बार जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और यहाँ पे नित्या भी हमारे साथ है, तो आज तो भाई मतलब मजा इनटू 100 होने वाला है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अगर धमाल मस्ती वाटर पार्क पे जाना है तो सबकी क्वेरी यही रहती है कि ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो ये है नेशनल हाईवे 48, ये जो जा रहे हैं ये बवड़ा की तरफ जा रहे हैं, वो सामने की लाइन है, वो सूरत तरफ जा रही है। तो यहाँ से जो टोल प्लाजा है कामरेज का, और यहाँ से 2 किलोमीटर ही है, और यहाँ पे जो दोरन पार्टी है यहाँ से आपको सामने की तरफ आना है। यहाँ पे केतलाबा रेस्टोरेंट है, देव होटल है। तो यहाँ से आप सीधा जाओगे, सीधा धमाल मस्जिद पर पहुँच जाओगे। अगर लोकेशन आप गूगल में भी डालोगे तो वहाँ पर भी आपको लोकेशन ईजिली मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहती है, तो ये ऐसा कुछ लोकेशन है। तो बस चलिए चलते हैं। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. Don't be rigid, always work towards a path. Exactly 1 और 1 बजे यहाँ पे होता है लंच का टाइम, और अंदर से निकलने के कोई रेडी नहीं रहता, मतलब किसी को भूख भी नहीं लगती है वाटर पार्क में। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो सीटी मार मार के सबको बुलाती है कि भाई चलो खाना खा लो, उसके बाद एंजॉय करना। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अभी खाने में क्या है। तो बस चलिए चलते हैं। Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. यहाँ पे लंच में है पाव भाजी, छाछ, पापड़, कचुम्बर और ये है पुलाव। हमने अभी जो यहाँ पे लंच किया ना भाई, वो अनलिमिटेड था, आप जितना चाहो खा सकते हो, और उसके बाद आप जाओ हो धमाल मस्ती करने। तो बस अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है, वापस से सारी राइड और मस्ती अनलिमिटेड स्टार्ट करेंगे हम लोग। अंश तो यहाँ पे मस्ती स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे है नित्या। नित्या, नित्या ने भी बाबा को अंदर डुबा दिया था। कतो है ना तो बेटू, ए मम्मा, मम्मा, मम्मा।
तो यहाँ पे अपने अच्छे मित्र केयूर भाई यहाँ पे हमें मिलते ही है। केयूर भाई वेलकम टू माय चैनल। और इस बार कैसा माहौल है वाटर पार्क में? बहुत बढ़िया माहौल है, गर्मी भी ज़्यादा है और पब्लिक को भी अच्छा मज़ा आ रहा है, खाने के लिए बहुत मज़ा आ रही है। आओ सब। हाँ भाई, इस बार तो अभी स्टार्टिंग ही हुई है गर्मी की और अभी आगे पता नहीं कितनी गर्मी बढ़ने वाली है। तो धमाल मस्ती जो वाटर पार्क है एकदम अफोर्डेबल है, मतलब हर कोई यहाँ पे आ सकता है। जिसकी 5-6 लोगों की भी फैमिली हो तो वो भी यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। तो और खाना पीना और सब जो अनलिमिटेड है उसका तो मैं सब बता चुका हूँ। तो बस थैंक यू केयूर भाई, आपने बहुत सारे ब्लॉग में मेरे साथ देखा ही होगा केयूर भाई को, तो केयूर भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके साथ एकदम छोटा बच्चा है तो उसको सुलाने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे हम लोगों ने नित्या को अंदर डाल दिया है। नित्या भी सो जाएगी। They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. बाद एक आध घंटा यहाँ पर वाटर पार्क में एंजॉय किया सारी राइड्स में और वेव्स में गए। वेव्स में भाई चश्मे का अंदर का जो ग्लास है वो निकल गया, आप देखो बहुत ही मज़ा आया भाई, बहुत ही मज़ा। अल्टीमेट मतलब जो 400-500 रुपया जो टिकट है ना यहाँ की वो टोटली वसूल है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है भाई। और स्पेशली बच्चे लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि अपने बड़े लोग बड़े एंजॉय करते रहेंगे और छोटे लोग यहाँ पे जो बच्चों लोगों के लिए है वो उसमें खेलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती भाई, बहुत ही मज़ा आता है। आप देखो खुद हंस 1-2 साल पहले बहुत ही छोटा था तब वो बहुत डरता था और हमारी जो नित्य है सिर्फ 15 महीने की है और पानी में देखो कैसे खेल रही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो नित्य कैसे खेल रही है, सिर्फ 15 महीने की है अभी और देखो उसको कितना मज़ा आ रहा है। आंश, आंश मजा आवे छे बेटा। I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. भाई अभी जो मैं राइड में बैठा पेंडल हूँ, अगर पिछड़ा ऊपर नहीं रखा तो नीचे इतनी जोर से टकराएगा ना कि दूसरी बार कभी नहीं बैठोगे। तो उस पर जो बैठना है वो बहुत अच्छे से बैठना है, बहुत ही मज़ा आएगा भाई, बहुत ही मज़ा आएगा। ये जो देख रहे हो ना ये ऊपर वाला ये बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने ली है ये फ्रेंच फ्राइज हंस के लिए। हंस कैसे है? मस्त। और हम लोग पियेंगे ये चाय। फ्रेंच फ्राइज भी मैंने चखे, बहुत ही मस्त है। और चाय भी पी मैंने, 10 रुपये की चाय है पर पैसा वसूल है भाई, सच में पैसा वसूल है। हम लोग को बहुत कम जगह की चाय पसंद आती है, यहाँ की अच्छी लगी। अंश फ्रेंच फ्राई क्या है बेटा? मस्त है ना? बहुत ही मस्त है भाई, गर्मा गर्म बनाया है, बहुत ही मस्त। वाटर पार्क में अगर आप धमाल मस्ती करते करते अगर थक जाते हो और अगर कुछ खाने पीने का मन हो तो यहाँ पे कैंटीन भी बहुत ही अच्छी है। मैंने चाय और नाश्ता किया है यहाँ पे, तो एक बार यहाँ की चाय और फ्रेंच फ्राइज भाई ज़रूर चखना, बहुत ही मस्त है, रिकमेंडेड है। अंश को और मेरी फैमिली को तो बहुत ही मज़ा आ गया है। तो भाई ऐसा कुछ रहा हमारा दिन, टोटली पैसा वसूल है यहाँ पे। जितने भी टिकट यहाँ पे रखते हैं ना भाई सारी अफोर्डेबल है, मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे फुल फैमिली आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और अभी अभी जो ऑनर है चेतन भाई उन्होंने मुझे बताया कि अप्रैल फुल ऑफर यहाँ पे इन्होंने रखी है
1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ओनली 250 रुपीज़ यहाँ की टिकट है, उसमें आपको लंच भी मिल जाएगा और आप अपना कॉस्ट्यूम घर से लेकर भी आ सकते हो। बेस्ट ऑफर है भाई, कहीं पे नहीं मिलेगी ये ऑफर। तो धमाल मस्ती जो नाम है इस वाटर पार्क का वो यहाँ पे होता है और हम लोगों ने बहुत ही धमाल मस्ती की फैमिली के साथ, और आप फैमिली और कपल को लेके यहाँ पे आ सकते हो भाई। टोटली पैसा वसूल है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, मैं हर बार यहाँ पे आता हूँ। तो ऐसा कुछ रहा हमारा आज का दिन, आपको कौन सी राइड सबसे अच्छी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप आ गए हो तो आपको क्या अच्छा लगा है, और अगर आना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।